बट ये सब जो सेहत लोगों की पुराने जमाने में हुआ करती थी वो आजकल कहाँ। बिल्कुल यार, मुझे याद है शादी से पहले तू लड़कियों के पीछे भागता फिरता था, लेकिन तुझे कभी थकावट नहीं हुई। और आज तुझे अपनी बीवी के साथ बाजार में चार कदम घूमना पड़ जाए तो तेरे माथे पर ठंडे पसीने आ जाते हैं। अब डॉक्टर ने आपको भी तो लिख के दिया है ना भट्टी साहब कि अगर अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखना है तो महीने में कम से कम चार दिन अपनी बीवी को मायके जरूर भेजा करें। बस जी, दवा दारू और डॉक्टरों का ही सहारा है। भट्टी साहब, अगर आप कहीं मेरा नाश्ता देख रहे ना, नाश्ते में एक सूखा टोस्ट, चाय, दो तीन तरह की गोलियां, छह सात तरह के कैप्सूल और कम से कम एक आध हेल्थ टॉनिक तो रहता ही है। बुरा लगता है देखने में, बुरा लगता है। ये बुरा तो लगता है पर मैं करूं क्या। हम तो जितनी भी दवाइयां होती हैं उन्हें आटे में गूंद कर उसके परौंठे बना लेते हैं। देखने वाला सोचता है यार बड़ा तंदुरुस्त है यार, एक भी दवाई नहीं खाता। लो ये क्या बात हुई भट्टी साहब, आजकल तो दवाइयां दिखा दिखा कर खानी चाहिए क्योंकि जो बगैर दवाई के ठीक हो जाए लोग उसे ओल्ड फैशन समझते हैं। हाँ, तभी मैंने देखा है कई औरतें ना मौका ढूंढ रही होती हैं कि किस तरह अपनी लेटेस्ट बीमारी के बारे में शो ऑफ करें। क्या बताऊं मिसेस भट्टी, कल मैं डॉक्टर जैन के पास गई। हिज ट्रीटमेंट इज सो एक्सपेंसिव यू नो, 500 रुपए तो उनकी फीस है। 500 रुपीज फॉर अ सिंगल विजिट? Yeah, but I don't go to cheapy doctors. After all, मेरा भी status है society में। वैसे सस्ते और महंगे डॉक्टरों में काफी फर्क होता है। Lot of difference, yeah. You go to some cheapy doctor, he'll tell you आपको gas है, पेट खराब है। I don't like such cheap बीमारी। One doesn't feel like discussing with friends, मुझे gas है, खट्टे डकार आते हैं, अफारा हो जाता है। How cheap ना? डॉक्टर जैन ने क्या कहा? डॉक्टर जैन ने मेरा सारा चेकअप किया और फिर बताया कि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है। स्पॉन्डिलाइटिस? तुम नहीं समझोगी, ये हाई सोसाइटी की बीमारी है ना। ये तो मेरी आंटी को भी है, उन्हें तो कॉलर भी लगा हुआ है और उनका जो प्रिंटेड कॉलर उनकी प्लेन साड़ी के साथ इतना बढ़िया लगता है, जस्ट कांट टेल यू। प्रिंटेड कॉलर? हाँ, उन्होंने स्पेशली बनवाया है। हाउ नॉट।